मेरे साथ विपिन चौबे नोएडा से मौजूद हैं और मेरे साथ जितेंद्र भाटी मौजूद हैं गाजीपुर से। विपिन, सबसे पहले जल्दी जाएं और किसानों से ही सीधे संक्षेप में छोटे छोटे रिएक्शन लें और पूछें। कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए गंभीर हैं, बातचीत हर सूरत में करने के लिए तैयार हैं, किसान अपना आंदोलन वापस ले लें और बातचीत करते रहें। क्या ये मान्य है उन्हें? बिल्कुल, सीधा सवाल यही ले लेते हैं। कृषि मंत्री ने साफ तौर से कह दिया है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, किसान अपना आंदोलन वापस ले और रास्ता निकाल लेंगे। आप लोग सहमत है कृषि मंत्री के इस बयान से? मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ, मास्टर स्वराज। कृषि मंत्री जी जो बातचीत की कह रहे हैं, बातचीत के तो भूखे ही नहीं ना, हमारे चार चांद लग जाएंगे बातचीत करके। कृषि मंत्री ये घोषणा कर दें कि पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी अनाज नहीं बिकेगा, सब फसलों के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार घोषित करती है वो मिलेगा सबको। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पंजाब में और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग किसानों को मिलता है और पूरे देश में सरकारी खरीद की व्यवस्था नहीं है। तो जब तक ये कानून में परिवर्तन नहीं होगा, क्या तब तक आप लोग पीछे हटने वाले नहीं है, आंदोलन रत लोग? नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, यहाँ बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। अभी तो अरेस्ट किया हुआ है हमें, प्रशासन ने हमें अरेस्ट किया हुआ है। हम दिल्ली कूच कर रहे थे और प्रशासन ने हमको यहाँ अरेस्ट किया हुआ है। हम इस जेल में, प्राइवेट जेल में तो यहीं पर रहेंगे। जी विपिन, हम जितेंद्र भाटी के पास भी चलते हैं, गाजीपुर में मौजूद हैं, वहां पर जो किसान हैं उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। जितेंद्र, जो कृषि मंत्री ने TV9 भारतवर्ष से कहा, उस पर क्या प्रतिक्रिया है किसानों की? वो कह रहे हैं हम बातचीत करने के लिए गंभीर हैं, हर तरह से बातचीत करेंगे, तो बातचीत का रास्ता चुने और प्रदर्शन ना करें। तो इस पर क्या कहना है किसानों का? बिल्कुल सुमेरा, ये जो इंटरव्यू था ये लोग देख भी रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के प्रति और 6 साल से उनके लिए काम कर रहे हैं और हर हाल में उनकी तकलीफ को दूर किया जाएगा, बातचीत के पटल पे आइए और ये जो घेराबंदी है सब खत्म कर दीजिए। सर, बातचीत 2 बार हो चुकी है। अगर सरकार को किसानों के हित की इतनी बात थी तो अभी तक 3 बिल वापस ले लिए होते। नहीं, वो कह रहे हैं अगर आपको तो खामी लग रही है तो उसमें सुधार किया जाएगा आपके। जितेंद्र, क्या बिल वापसी से किसी से कम पर किसी भी सूरत में तैयार नहीं है किसान? किसानों की कोई नहीं सुनना है, या 6 दिन से पड़े हुए हैं किसान हाईवे पर। अच्छा, और भी किसान है, हम इनसे बात करते हैं। एक बात बताइए, अगर बिल वापस नहीं लिए जाते हैं तीनों के तीनों, तो क्या खत्म नहीं करेंगे अपना आंदोलन, खत्म नहीं करेंगे अगर बिल वापस ले जाते हैं? सुधार चाहिए, सुधार चाहिए इसमें, बिल में सुधार होना चाहिए। और मैं एक मोदी जी के जो हमारे मंत्री हैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि ये कानून गंगा तल की जल की तरह पवित्र है, तो मैं सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये किसान गंगा माँ की तरह पवित्र हैं। क्या इनको कोई अपना पहचान पत्र देना पड़ेगा कि किसान है या भाई कोई और है? तो ये सरकार ठीक है, की किसान किसान भी गंगा जल की तरह पवित्र है, किसान अन्नदाता है। बिल्कुल जितेंद्र, किसान अन्नदाता है, सरकार भी ये बात कह रही है, हम भी ये मानते हैं, पूरा देश ये मानता है और किसानों की समस्या पर ही बातचीत हो रही है लगातार।